सो हे गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू ड्रिंकिंग वीडियो। भाई आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं फिर से ऐसे कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी इतने बड़े ब्रांड्स को लेके। मतलब ब्लैक डॉग, भाई ब्लैक डॉग किसको नहीं पसंद यार। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को ऐसा होगा कि ब्लैक डॉग विस्की पीना नहीं पसंद। लेकिन आज हम लोग ब्लैक डॉग को सिर्फ पियेंगे नहीं, उसको कंपेयर करेंगे। ब्लैक डॉग जो नॉर्मल ब्लैक डॉग आता है उसको ट्रिपल डिस्टिल के साथ, मतलब जो ट्रिपल गोल्ड है जो कि उसका हायर वर्जन है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैनल पे ब्लैक डॉग के ऊपर वीडियो तो बनाया है, लेकिन ब्लैक डॉग को कभी कंपेयर नहीं किया है किसी, मतलब ब्लैक डॉग के साथ। तो ये फर्स्ट टाइम होगा और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि मैंने एक साथ दोनों को कभी पिया नहीं है, ब्लैक डॉग और ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व को। तो देखते हैं कैसा लगता है मुझे, मतलब कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उनको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो। सो भाई हमारे विस्की आ चुके हैं आज। दोनों ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और ऑब्वियसली स्कॉटलैंड में बनते हैं, तो इसीलिए इसको स्कॉच विस्की कहते हैं। ब्लैक डॉग को मैंने काफ़ी बार पिया है, जो कि नॉर्मल वाला ब्लैक डॉग आता है इसको मैंने काफ़ी बार, ब्लैक डॉग रिजर्व को मैंने पिया है, लेकिन ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व ये फर्स्ट टाइम है यार। ये ट्रिपल डिस्टिल्ड है, और ट्रिपल गोल्ड डिस्टिल मतलब तीन डिफरेंट कास्केट में इसको डिस्टिल किया गया है, और उसके बाद इसको पोर किया गया है, अपने बॉटलिंग किया गया है, और इसको 12 ईयर्स तक एज्ड किया गया है, मतलब 12 साल तक ये बैरल में था, उसके बाद बॉटलिंग हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई प्रीमियम क्वालिटी का है, ये भी अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन इसके जैसा नहीं है, ये काफ़ी हाई है। तो अभी वही देखना है कि टेस्ट में कितना डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्लैक डॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और उसके लिए मेरे फ़ोन पे यहीं पे है जेम्स मैकेनले बोल के एक आदमी ने ब्लैक डॉग को बनाया है। 1883 में स्कॉटलैंड में ये बना था, और 1992 में बॉटलिंग के बाद इंडिया में ये लॉन्च हुआ, ठीक है। इंडिया में 1990s के अराउंड ये मिलना शुरू हुआ, उससे पहले इंडिया में ब्लैक डॉग नहीं मिलते थे, उससे पहले स्कॉटलैंड में ही मिलते थे। बनाया जाता है स्कॉटलैंड में, लेकिन जो बॉटलिंग है, जो बोतल में तुम मिल रहा है ऐसे बोतल में, ये इंडिया का है, इंडिया में ही मिल रहा है। शायद ये वाला सेम बोतल तुम्हें स्कॉटलैंड में ना मिले, कुछ और डिफरेंट बोतल में मिले। ये तो छोटा बोतल है, मैं बड़ा बोतल का प्राइस तुम लोगों को बता रहा हूँ। इसका जो बड़ा बोतल है जो कि 750 ml का है, उसका प्राइस है 2500 वेस्ट बंगाल में, 2500। इसका जो बड़ा बोतल है 750 ml का, उसका प्राइस है 1830 rupees। तो मतलब दोनों ही काफ़ी महंगा है, ये अबव 2000 का है, ये अंडर 2000 का है। छोटा बोतल का भी प्राइस कम नहीं है भाई, 180 ml का भी प्राइस अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, ये 500 rupees का है, 180 ml, 500 rupees, और ये 690 rupees 180 ml। भाई ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 190 rupees एक्स्ट्रा है इससे, तो ऑलमोस्ट 200 rupees ज़्यादा मुझे देना पड़ा इसके, मतलब इतना छोटा बोतल के लिए। भाई ये ऑलमोस्ट 700 का है, इतना छोटा 180 ml का, 375 ml का भी मिलता है, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल नहीं है। इसका अवेलेबल है, लेकिन इसका अवेलेबल अभी नहीं है, मिल नहीं रहा। तो देखते हैं, टेस्ट करेंगे और एक कॉकटेल भी बनाएंगे। उससे पहले अल्कोहल परसेंटेज वो भी जानना जरूरी है। अल्कोहल परसेंटेज दोनों में सेम है, ठीक है, 42.8% 42.8% में अल्कोहल परसेंटेज में कुछ डिफरेंस है नहीं, और बस इतना ही तुम्हें जानना है। अब पियेंगे और देखते हैं कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेट्स गो। सो भाई चलो ओपन करते हैं और देखते हैं। सो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों का कलर तुम देख सकते हो, इसका थोड़ा सा डार्क है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, डार्क कलर है जैसे कि तुम क्लियरली देख सकते हो, और ये थोड़ा सा लाइट कलर का है। मतलब अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन खुद ट्राई करके देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है जबकि इसका लाइट है। अब थोड़ा सा देखते हैं घुमा के किसमें विस्की के लेग सबसे स्लोली गिरते हैं, तो उससे ज़्यादा पता चल जाएगा इसके, मतलब विस्की के लेग्स काफ़ी जल्दी गिर रहे हैं, क्योंकि भाई ये क्वालिटी में थोड़ा हाई है। ऑल्दो इसमें 42.8% है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें नशा थोड़ा सा थोड़ा सा कम होगा। इसको बहुत ज़्यादा पीने से हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर 3-4 पैक पियोगे तो घंटा कुछ नशा होगा नहीं, जबकि इसमें थोड़ा सा जल्दी नशा हो जाएगा। इसके जो विस्की के लेग्स हैं वो काफ़ी स्लोली गिर रहे हैं, और काफ़ी थिक भी है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा थिक है, तो ये थोड़ा
जल्दी नशा होगा। तो अब टेस्ट करके देखते हैं तो पता चलेगा। सबसे पहले ब्लैक डॉग को करते हैं, नॉर्मल ब्लैक डॉग नीट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही हाई क्वालिटी के है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आइस यूज करूंगा लेकिन पानी यूज नहीं करूंगा। तो चीयर्स। आज प्लास्टिक का बोतल है इसलिए आवाज नहीं हुआ, नहीं तो मजा आता है कांच के बोतल पे। आए हाय, जो सेंट है ना वो कमाल का है, कमाल का सेंट है। आए हाय, अब इसको एक बार देखते हैं। आए हाय, इसका स्मेल तो और ज्यादा अच्छा है, और भी कमाल का है। लेकिन हनी का सेंट भी आ रहा है यार, इसमें उतना क्लियर नहीं है हनी का सेंट, लेकिन इसमें सेंट काफी वाइब्रेंट है, काफी अच्छा है। मतलब नाक पे लग भी नहीं रहा लेकिन बहुत लाइक अच्छा लग रहा है। टेस्ट करते हैं। ओहो हो, स्कॉच के वो वुड के, वुड और लेदर के जो स्मेल आते हैं, जो टेस्ट आता है आफ्टर इफेक्ट में एक थोड़ा सा, वो कमाल का आ रहा है और मजा आ रहा है। भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत नीट और क्लीन है। मतलब कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है माउथ में और कोई गंदा स्मेल नहीं है। वो तो ऑब्वियसली मतलब इतने हाई क्वालिटी स्कॉच विस्की है तो गंदा स्मेल तो होना भी नहीं चाहिए। अब इसको टेस्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग पैलेट को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। पैलेट क्लीन रहेगा तो समझ में आएगा ठीक है टेस्ट का डिफरेंस। चीयर्स। वाओ भाई, ये और स्मूथ है, और ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और थोड़ा सा वार्म टाइम का फीलिंग है आफ्टर इफेक्ट में, थोड़ा सा माउथ थोड़ा गरम गरम कर दिया तो अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें आफ्टर इफेक्ट में उतना कुछ ज्यादा स्ट्रांग वाला फीलिंग नहीं था, इसका आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा लाइक माउथ थोड़ा गर्म कर दिया। भाई ये तो बहुत ही स्मूथली नीचे जा रहा है, भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथली। मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे कहना पड़ेगा कि जो ब्लेंडेड स्कॉच है हमारे गोल्ड रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इससे। मतलब अगर क्वालिटी हिसाब में देखा जाए जो जिसको पीने में सबसे ज़्यादा इजी हुआ मुझे यही हुआ यार, ये बहुत ही इजीली गले से उतर गया। जबकि ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप का था, थोड़ा सा लाइक लगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम किसी और लो बजट विस्की के साथ कंपेयर करोगे तो उससे तो बहुत ही बेटर है। लेकिन ब्लैक डॉग वर्सेस ब्लैक डॉग में मैं कहूँगा कि ब्लैक डॉग जो गोल्ड रिजर्व है वो जीतता है। इसको मैं दूंगा 9 out of 10 और इसे मैं दूंगा 7 out of 10। भाई हमने पैक को ख़त्म नहीं किया है, पैक ख़त्म करेंगे आइस के साथ। मुझे लगता है कि आइस के साथ ज़्यादा बेटर लगेगा, तो थोड़ा सा और ज़्यादा पोर कर देते हैं, नहीं तो आइस के साथ अच्छा नहीं लगेगा। और नहीं नहीं पहले आइस देते हैं उसके ऊपर पोर करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेट्स गो, देखते हैं। मेरे पास गोल गोल बड़े बड़े आइस है, ग्लास इतना छोटा है कि मुझे ज़्यादा आइस लगेगा नहीं, इसके एक 1 scoop ही काफ़ी है ठीक है, मतलब 1 ice भी काफ़ी है। ओके मुझे ये प्लास्टिक का बोतल काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये आसानी से टूटते नहीं है, तो अगर तुम्हें ज़्यादा अगर हाथ कांप भी रहे ज़्यादा पी लिए हो तो टूटने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है, और बाद में तुम इसको रीयूज भी कर सकते हो। सो ओके, मैंने जैसे कहा, तो चलो अब टेस्ट करते हैं गोल्ड रिजर्व। चीयर्स। अब हनी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो थोड़ा सा भी स्ट्रांगनेस था, थोड़ा सा भी थोड़ा लाइक एक नॉर्मल अल्कोहल में तो थोड़ा सा स्ट्रांग फीलिंग आएगा वो भी जा चुका है सिर्फ 1 ice में। कैन यू इमेजिन दैट, कितना स्मूथ है आइस के साथ, कमाल का लग रहा है यार। तुम देख सकते हो ऊपर जैसे थोड़ा सा जो कलर है, जो वाइब्रेंट कलर है वो ऊपर थोड़ा डार्क कलर का है, नीचे थोड़ा लाइट कलर का हो चुका है यार। भाई आइस ऐड करने के बाद तो मैं सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा है, मतलब कौन सा गोल्ड रिजर्व है और कौन सा नॉर्मल रिजर्व है, क्योंकि अब दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम लग रहा है। वाओ
ओके भाई, आई सेट करने के बाद तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मतलब नीट में फिर भी समझ में आ रहा था, नीट में काफी लाइक डिफरेंस लगा था मुझे, ये थोड़ा सा स्ट्रांग लगा था, इसका काफी स्मूथ था, लेकिन आई सेट करने के बाद तो लग रहा है दोनों ही सेम हो चुका है, तो मैं दोनों को लाइक 8 देना चाहूंगा, 8 out of 10। मैंने हर एक वीडियो में मैंने तुम लोग से कहा है कि जब स्कॉच विस्की होता है, कोई भी स्कॉच हो, आज ब्लैक डॉग है नहीं तो कोई भी स्कॉच तुम्हारे पास हो, सबसे बेस्ट उससे कॉकटेल बनता है कोका कोला। कोका कोला के साथ स्कॉच सबसे बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। कोका कोला मेरे पास आज है, लास्ट डे मेरे पास थम्सअप था, तो थम्सअप के साथ उतना कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। थम्सअप के साथ मुझे तो विस्की पीना बिल्कुल भी अच्छा लगता, और स्कॉच विस्की भी मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। बेस्ट है कोका कोला, कोका कोला थोड़ा स्वीट है और स्कॉच के साथ काफ़ी अच्छा जाता है। गोल्ड रिजर्व, भाई ब्लैक डॉग के और भी बहुत सारे बोतल आते हैं, अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करोगे तो मैं जल्दी बहुत सारे और बोतल लाऊंगा ब्लैक डॉग के, और शायद एक दिन हो ऐसा हो जाए कि मैं ब्लू लेवल भी ले पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं। कोका कोला तो कोका कोला के साथ पी के देखते हैं, मैंने आइस नहीं लिया है क्योंकि कोका कोला ऑलरेडी काफी ठंडा है, और देखते हैं कैसा लगता है कोका कोला के साथ। चीयर्स। सेंट आ रहा है, मतलब स्कॉच का सेंट आ रहा है, लेकिन तुम बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा लाइक स्कॉच है, ठीक है। इतना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है क्योंकि ये इतना हाई क्वालिटी के स्कॉच विस्की है कि आराम से किसी के साथ भी ब्लेंड हो सकता है यार, काफी स्मूथ है और काफी अच्छा लग रहा है, कोका कोला के साथ काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट लेवल, मैं एक सच बात बोलना चाहूंगा, मैंने आइस के साथ भी देखा और कोका कोला के साथ भी मैं देख रहा हूं, जब मैं इन दोनों को नीट ट्राई किया था तब मैं डिफरेंस बोल सकता था कि ये कौन सा ब्लैक डॉग रिजर्व है और कौन सा ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व है, मैं डिफरेंस बता पाया, लेकिन जब मैंने आइस पोर किया तब मैं बिल्कुल नहीं बता पाया क्योंकि दोनों ही सेम लग रहा था। सेम वही हुआ जब मैंने कोका कोला पोर किया, कोका कोला में भी सेम लग रहा है, जैसे समझ में नहीं आ रहा कि किसमें ब्लैक डॉग है और किसमें ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व है, बिल्कुल सेम लग रहा है। तो यार मैं तो कहूंगा कि अगर तुम्हें डिफरेंस समझना है ब्लैक डॉग और ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व में, तो मैं कहूंगा कि तुम नीट ट्राई करो, तभी तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम कुछ भी ऐड करोगे, आइस, पानी, सोडा, कोका कोला, थम्सअप, कुछ भी ऐड करोगे तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, दोनों बिल्कुल ही सेम लग रहा है और टेस्ट बिल्कुल सेम लग रहा है कुछ भी ऐड करने के बाद। तो इसमें भी मैं बोल नहीं सकता कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दोनों में से ही सेंट बिल्कुल सेम आ रहा है और टेस्ट भी मुझे बिल्कुल सेम ही लग रहा है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है, मतलब बोल पाना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं दोनों को ही लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं दोनों को ही 9 देना चाहूँगा, 9 out of 10, बहुत ही कमाल का है। कोका कोला के साथ सबसे बेस्ट जाता है स्कॉच विस्की। सो भाई आज के लिए इतना था, होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तुमको पता ही करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जाने से पहले ज़रूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, ब्लैक डॉग या ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व। मैं तो कहूंगा कि मुझे ब्लैक दोनों ही काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर बजट फ्रेंडली देखा जाए तो ब्लैक डॉग सबसे बेस्ट है क्योंकि आइस और सोडा या पानी या थम्सअप कुछ भी ऐड करते हो तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि ब्लैक डॉग पी रहे हो या ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व पी रहे हो, तो तुम पी सकते हो और बजट फ्रेंडली भी है, बिलो 2000 rupees का है। मैं इतना ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है क्योंकि ऑलमोस्ट 1830 rupees का वेस्ट बंगाल में मिल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि बाहर और स्टेट में क्या मिल रहा है, कुछ स्टेट में तो लाइक अबव 2000 के भी होंगे, ठीक है, ब्लैक डॉग। तो गोल्ड रिजर्व काफ़ी कमाल का है लेकिन थोड़ा सा हाई बजट का है, 2500 का मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, काफ़ी जगहों में शायद वो 3000 भी क्रॉस कर रहा है मुझे पता है,
ये कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज में 3000 प्राइस भी क्रॉस कर दे रहा है। लेकिन अगर टेस्ट का बात करूँ तो भाई ये नेक्स्ट लेवल का है, और वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम नीट ट्राई करोगे, ठीक है। ऑल दो नीट ट्राई करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस समझना चाहते हो इन दोनों में तो नीट एक पैक पी सकते हो, जस्ट टू नो दैट लाइक डिफरेंस, ठीक है। और मैं तो कहूँगा मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन हाँ गोल्ड रिजर्व थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी नीट है और लाइक बहुत स्मूथली मैं निकल सकता हूँ, तो मुझे गोल्ड रिजर्व ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुमको पता है क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।